जब हमारे देश में कोई भयंकर बीमारी उत्पात मचाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का स्कोर पूछ लेते हैं और वहां पर कोई संवेदना नहीं होती मंत्रियों में। लेकिन चाइना में अभी कोरोना वायरस को आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, चाइना की सरकार कितनी सीरियस है अपने नागरिकों को लेकर आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 दिन में 1,000 बेड के अस्पताल की इमारत खड़ी कर दी है और मरीजों को शिफ्ट कर दिया है। मरीजों के पहले बैच को जहां पर 2 दिन पहले खाली मैदान था, वहां पर 2 दिन बाद 1,000 बेड का अस्पताल है और ये मुमकिन करके दिखाया है चाइना ने। चाइना में भारत की तरह माथा पच्ची नहीं होती कि भैया पहले 500-600 लोगों को मरने तो दो, जब देखेंगे क्या बीमारी है। बिहार में अभी कुछ दिन पहले चमकी बुखार ने उत्पात मचाया था और चमकी बुखार के वक्त कैसे राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने स्कोर पूछ लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, ये दिखाता है हमारे नेताओं में कितनी संवेदना है। और हम चाइना से खुद को कंपेयर करने का सोच ही सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। 2 दिन में उन्होंने उस हॉस्पिटल में मरीजों को शिफ्ट कर दिया है और 11 दिनों के अंदर इस अस्पताल की बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। इस अस्पताल की 11 दिनों के अंदर जब बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो आप यकीन मानिए चाइना कितनी तेजी से काम कर रहा है। बिल्डिंग पूरी करने के बाद 11 दिन के अंदर वो अस्पताल के अंदर हर वो फैसिलिटी उपलब्ध करा देंगे जो कोरोना वायरस के लिए होनी चाहिए और हर एक चीज़। और इस अस्पताल की खासियत क्या है, ये अभी स्पेशलिस्ट सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के लिए है। कोरोना वायरस के पॉसिबल मरीज इस अस्पताल में लाए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन में कैसे मुमकिन है, लेंटर भी नहीं खुलता 10-15 दिन से पहले हमारे यहाँ। तो भैया चाइना में सब कुछ मुमकिन है, इसीलिए वो चाइना है और इसीलिए हमसे आगे इतना आगे निकल चुका है। 1950 में हमसे पीछे था और आज हमसे कितना आगे है। चाइना की यही खासियत है कि जो बात चाइना को पूरी दुनिया से अलग बनाती है। 2 दिन में अमेरिका के भी बस की नहीं है अस्पताल तैयार करना, वहाँ भी पहले प्रस्ताव पास होगा, फिर ठेकेदारों की बात होगी, फिर देखेंगे कौन कितना पैसा खाएगा, तब जाकर अस्पताल की शुरुआत होगी। लेकिन चाइना में बजट पास होते ही काम शुरू हो जाता है और बजट आए ना आए जिन जिन लोगों के पास ये जिम्मेदारी है वो काम करने लगते हैं। यही कारण है कि चाइना दुनिया को लीड करता है इन सब चीज़ों में। चाहे आप चाइना की लाख बुराइयां करें लेकिन जब वक्त आता है इस तरह की चीज़ों का, चाइना सबसे आगे खड़ा पाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।